रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कुता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चोहा जाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। उस परमात्मा की आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा है कि आप यहां सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर इस काल के गंदे लोक में। प्रत्येक प्राणी भ्रमित किया हुआ होता है काल के दूतों द्वारा। यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता है ताकि ये अपने कर्म बिगाड़ ले और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके ये चला जाए, फिर 84 लाख योनियों के कोलों में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था, तो हम अपने उस परंपरागत कर्म को जो हमारे दादे पड़दादे करते हुए आ रहे थे उसी को अंतिम मानकर समर्पित हो चुके थे। लेकिन भगवान की कस कवस्य रह रह कर आत्मा में उठा करती थी कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था तो उसी आधार से कोई कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी श्री कृष्ण जी के गुणगान करते, कभी विष्णु जी की महिमा सुनते, कभी रामायण महाभारत सुनकर अपनी संतुष्टि कर लिया करते थे। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते वो तो वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उन्हीं की देख रेख और सब उसके पालन पोषण में, और उन्हीं के फिर आगे संतान की कामना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति, आत्म कल्याण ही मूल रूप से है, और इसका हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम जो कुछ होना था हमारे भाग्य में उसी को ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से थे तब ये बुजुर्ग आपस में बैठ के बातें किया करते थे। एक कहता था कि मेरे दो लड़के दो लड़की हैं और सबको ब्याह दिया, शादी कर दी, और भगवान ने दया कर दी, सबके संतान है और पुत्र पुत्रियां सबके भगवान ने दे रखी हैं, मेरा काम पूरा हुआ। अब बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया। अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुष्य का। अब पुण्यात्मा परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये काम जो मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया आपने, ये तो जीवन नष्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ आपका। जैसे कोई ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, ये जीव की भारी भूल है।
जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो, पुण्यात्मा, वैसे तो अध्यात्म मार्ग के अंदर पुत्र और पुत्री में जरा सा भी अंतर आपके हृदय में नहीं रहेगा जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। और वैसे परमात्मा कुछ भी हमारे संस्कार में पुत्र है पुत्र ठीक, पुत्री है पुत्री ठीक, लेकिन जो राम नाम पर लगे हैं तो वो हमारे लिए हमारे पुत्र हैं, अन्यथा वो काल के दूतर हैं। परमात्मा ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप कोई यूं कहे कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, बच्चे ब्याह दिए, कोठी बना दी और ऐसा वैसा कर दिया, ये भूल है प्राणी की। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इस लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से इच्छा होती है कि भगवान पुत्र दे और बेटी हो जाती है, जन्म बेटी का हो जाता, फिर पूरे परिवार की आस्था रहती है भगवान अगला तो पुत्र दे और वो भी बेटी होगी, तीसरी आस करीब पुत्र की वो भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी, पांचवी भी पुत्री होगी। तो क्या आपका चाहा हुआ, क्या आपका किया हुआ वही हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था? तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हमने जो करना चाहिए था वो सत्संग से ज्ञान हुआ। वो क्या ज्ञान हुआ? परमात्मा ने आके बताया है कि जब तक ये प्राणी सुखी है, इस झूठे सुख को प्राप्त है, तब तक तो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। क्योंकि जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के पुण्य शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कितने खोटे काम करो, उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ पिछले जन्म का उसको पुण्य मिलता ही रहेगा, पुत्र भी होंगे पुत्री भी होंगी और वो संतान भी नेक हो सकती है। लेकिन आगे भक्ति ना करने से जैसे बैटरी चार्ज होती है, और वो बैटरी चार्ज है तो वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जग रही है, लेकिन चार्जर ना लगाने से उसकी अक्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डाउन होगी और फिर उसके बाद सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी, पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार किए हुए उनके साथ हैं, वो चाहे कुछ भी भक्ति ना करो, सारा दिन गुट्टी लाओ, ताश खेलो, चाहे कितना सफल अपने आप को समझता है, चाहे मंत्री बना, चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है। और जिसमें वो डाउन होगी उसमें देखना क्या हाल होगा। तो हमें अब पता चल गया इस बात का, हमने पहले से चार्जर लगा दिया अपना, भगवान की दया होगी चार्जर मिल गया ठीक ठाक हमें, तो हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आवेंगी, नहीं तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई आपदा आई भी तो परमात्मा ऐसी मदद करेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए परमात्मा की खोज में ये प्राणी बहुत युगों से लगा हुआ, और अब वो साधना, वो भगवान हमें मिल गया जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें जो बचाव करता है और मोक्ष देता है, हमारे प्रारब्ध के यानी संस्कारों के, किस्मत के, पाप कर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनका भी वो निवारण कर देता है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।